Hello friends, good evening. Today we will continue our chapter, that is polynomial in our mathematics. Clear? तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे पॉलिनोमियल में. हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म किससे मिलके बना हुआ होता है, और व्हाट इज एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. ठीक है, आई होप कुछ कुछ याद होगा आप लोगों को. तो इतना सब जो पढ़े थे, अब नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि हम लोग किसी भी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम लोग को क्या कौन सी वैल्यू मिलती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे एफ एक्स आपका हो गया मान लीजिए 2x + 5. ठीक है, तो 2x + 5, तो x का वैल्यू ऐसा क्या होगा कि ये टर्म मेरा जीरो में को आउटपुट देते, ये टर्म मेरा क्या देते, जीरो आउटपुट देते. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + 5 = क्या करेंगे, जीरो करेंगे. तो क्या हो जाएगा आपका 2x = -5 हो जाएगा, x = -5/2 हो जाएगा. तो इसका मतलब x के जगह पे अगर हम -5/2 पुट करेंगे तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. तो मेरा x क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये मेरा क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? इसका मतलब कि कोई भी ऐसा वैल्यू, मतलब जो भी मेरे, मतलब जो भी मेरा पॉलिनोमियल है ना, जो भी मेरा पॉलिनोमियल है, उस वैल्यू को अगर मुझे जीरो दे दे तो क्या हो जाएगा, मेरे को कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम x - 2 लेते हैं, fx = x - 2. तो हमको क्या पता है, यहाँ x की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. क्लियर? तो इसका मतलब जो ये मेरा x 2 है, ये 2 जो है वो मेरा क्या हो गया, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है, टू टाइप से इस क्वेश्चंस को किया जाता है. एक तो आपको बोलेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, एक तो आपको बोलेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए. तो आप जैसे कि आप इसको क्या करेंगे, टोटल टर्म को जीरो कर देंगे और इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा. एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट. तो इसमें क्या है, आपके टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, टू टाइप क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि आपको वेरीफाई करने बोला जाएगा, x = x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसको वेरीफाई कीजिए. ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा 7, जैसे कि यहाँ पे क्या है 7x + 1 है. ठीक है, 7x + 1 है, ये आपको बोला गया, इसको वेरीफाई कीजिए कि x = -1/7 = 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है आपका. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है आपका px = 7x + 1. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे जो आपका दिया हुआ है, क्या है 1/7 = क्या हो जाएगा 7x + 1. ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, 7 × -1/7 + 1 ये कट गया, ये क्या आ गया -1 + 1 = 0. तो ये मेरे को प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ये मेरा क्या है, जीरो है. मेरा जो वैल्यू है -1/7, ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये मेरा जो वैल्यू है ना वो मेरा जीरो के इक्वल है. तो वी विल से दैट x = -1/7 = जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? ये एक फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का मेथड क्या रहता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि बोला जाएगा सपोज यहाँ पे x + 8 है. ठीक है, सपोज ये 3x + 8 है, बोला जाएगा कि इसको, इसमें हम लोग को x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है कि कितने में मुझे जीरो मिलेगा. हम लोग को जीरो क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे,
हम सबसे पहले जो भी मेरा टर्म दिया हुआ रहेगा, जो भी मेरा टर्म दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3x plus 8 is equal to what? जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे x निकालेंगे is equal to minus 8, x is equal to minus 8 by 3। तो हम लोग का क्या वैल्यू, हम लोग मतलब x के जगह पे अगर माइनस 8 बाई 3 करेंगे तो मेरे को जीरो मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इज दिस वैल्यू इज व्हाट, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, 3x plus 8 लेके, तो 3 into x के जगह पे क्या लेंगे, minus 8 by 3 plus 8, ये 3 cancel out हो गए, minus 8 plus 8 cancel out हो गए, क्या मिला मुझे, 0 मिला। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ये जो वैल्यू मेरा फाइंड आउट हुआ है minus 8 by 3, ये क्या है मेरा, 0 of the polynomial है। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, टू टाइप से क्वेश्चन zeros of the polynomial में आ सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, सपोज 2x plus 3 है, fx कितना है मेरा 2x plus 3 है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे fx की जगह पे 0 पुट किए, x के जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे मिला 3। अगर हम लोग f के जगह पे 1 पुट करें x के जगह पे तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 plus 3 यानी कि 5 फाइंड मिला। अगर हम लोग x के जगह पे 2 फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 2 4 प्लस 3 यानी कि 7 मिला। उसी तरीके से f के जगह पे अगर हम लोग 3 पुट करें तो क्या मिलेगा, 3 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मिलेगा। तो इसी तरीके से हम पुट करते जाएंगे और जब हम x के जगह पे माइनस 3 बाई 2 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, टू टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल यानी कि 0। यानी कि ये वैल्यूज जो है ना जितने भी आया, यानी कि जितने भी वैल्यूज हम लिए यहाँ पे, 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए और माइनस 3 बाई 2 लिए, ये सारा ही वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जो माइनस 3 बाई 2 है ना, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये क्या है मेरा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, सो यहां क्या है, ये आपका इन लैंग्वेज ऑफ बुक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसी को हम बोल सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ही हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ होता है। इसमें क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स तो मेरा जीरो होता ही है, कोई भी पॉलिनोमियल वैल्यू मेरे को जीरो लेना है और उसके वजह से जो मेरा एक्स में वैल्यू आएगा ना वही मेरा होता है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपका ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल सीरीज है, पॉलिनोमियल आपका क्या इक्वेशन है, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन, ऑलरेडी हम लोग इससे इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स एंड अल्फा बी ए रियल नंबर, देन अल्फा इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा को क्या माने हम यहाँ पे, अल्फा को माने एक रियल नंबर है और ये यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा यहाँ पे क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अल्फा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स क्या होता हो सकता है, इक्वेशन क्या, एफ एक्स आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर अल्फा मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब अल्फा अगर हम एक्स की जगह पे पुट करें तो इसका मतलब ये भी मेरा जीरो हो जाएगा। एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या हो जाएगा, अगर ये वाला जो मेरा पॉलिनोमियल हो गया तो इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू ए नॉट, हम एक्स के जगह पे क्या किया, अल्फा पुट कर दिए, एक्स के जगह पे ये जो वैल्यू था मेरा पॉलिनोमियल का, जो मेरे को इक्वेशन था पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके जगह पे हम क्या कर दिए, एक्स के जगह पे हम अल्फा पुट कर दिए, ए नॉट अल्फा एन प्लस ए वन अल्फा एन माइनस वन प्लस ए टू अल्फा एन माइनस टू, यहां से लेकर के पूरा ए एन माइनस वन अल्फा प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्या हो जाएगा, जब अल्फा पुट कर दिए ना तो ये इक्वेशन क्या मिल गया, मेरे को जीरो मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा मेरा है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल देते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2,
तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2, यानी कि ऐड करेंगे आपका टोटल आपको 0 मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो 1 है, 1 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 1 इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए लिखे क्योंकि ये जो मेरा इक्वेशन है ना, ये मेरा इसे स्क्वायर देता है। किसी में भी अगर हाईएस्ट डिग्री अगर स्क्वायर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, अगर यहाँ पे 4 रहता हाईएस्ट डिग्री तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एफ एक्स आपका क्या हो गया, 2x x cube minus 7x square minus 5x plus 4, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, माइनस 1 अगर पुट करते तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ये उधर प्लस माइनस 7 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि पूरा कट जाएगा, 9 हो जाएगा, तो आपको 0 मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोला जा सकता है देयरफॉर माइनस 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, और रूट ऑफ द, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन और रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां क्या था क्वेश्चन में, मेरा जो हाईएस्ट डिग्री था वो x के पावर में क्या था, 3 था, तो ये मेरा क्यूब है, तो इसको बोले क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें x के पावर में 2 आपका हाईएस्ट डिग्री रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, नाउ हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा फिनिश हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब ये क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम में पता चल रहा है कि नाम से क्या होगा, आपको कुछ रिमाइंडर देगा। तो ये क्या होता है, जो भी आपका पॉलिनोमियल रहता है ना, एफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसको जब भी हम डिवाइड करते हैं आपका एक्स माइनस ए से, जब भी आपको डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो जो भी मेरा आपका एफ ए मिलेगा ना, जो भी एफ ए का वैल्यू आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। जब भी एफ एक्स को हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो भी एफ ए मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम इसको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, सपोज x माइनस 3 से, x प्लस 3 से डिवाइड किए, ठीक है। तो आपका यहाँ पॉलिनोमियल क्या है, आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, दिस इज द क्वेश्चन। आप क्या पुट कर, डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड कर रहे हैं आप इसको x प्लस 3 से, ठीक है, x प्लस 3 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एफ ए का वैल्यू आपको रिमाइंडर देगा। तो एफ ए निकालिए, तो सबसे पहले x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री, यानी कि x वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस थ्री। तो माइनस थ्री जब यहाँ पे पुट करेंगे f माइनस थ्री, यही ना माइनस थ्री क्या है मेरा, यही हम मेरा a है, ठीक है यही मेरा क्या है a है। x माइनस थ्री हम जब पुट करेंगे, यही मेरा f माइनस थ्री जब पुट करेंगे, तो a का वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस थ्री जब पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टू x की जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है। तो माइनस थ्री नाइन हो जाएगा, नाइन टू जब एटीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन, प्लस का ट्वेंटी वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना मिल जाएगा आपका, ये आपको ऐड हो जाएगा, ये ट्वेंटी प्लस एट नाइन, थर्टी नाइन माइनस वन यानी कि थर्टी एट, 38 क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, 38 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, क्लियर, 38 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो 38 रिमाइंडर हो गया। अब हम इसको प्रूफ भी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रूफ इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि हमें कैसे पता कि मतलब मेरा सही आया है कि नहीं आया, तो हम डिविजन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे आपका x प्लस थ्री से, क्या हो जाएगा मेरा पहले 2x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 टू 6x, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 1 13x, माइनस का 13x माइनस 1, ठीक है, और ये वहां हो जाएगा माइनस 13, तो क्या हो जाएगा माइनस 13x, फिर माइनस का 13 3 का 39, ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 38, तो आपका क्या रिमाइंडर निकल गया 38। इसका मतलब जो हम x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट किए थे, यही मेरा क्या है 38 जो उसके बाद निकल, ये मेरा क्या है रिमाइंडर है। तो यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि हमको इतना लंबा डिविजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हम डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट मेथड से, इस मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से, थ्योरम का यूज करके हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर। हियर वी विल प्रूफ आवर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस अल्फा से, एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करना है, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए एफ अल्फा, एफ अल्फा। अब हमको कैसे मिलेगा इस चीज को प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले तो ये मेरा आपका डिविजन मेथड होता है, हम कोई भी चीज को जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, एफ एक्स को क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ एफ एक्स डिवाइड बाई क्या है एक्स माइनस अल्फा, डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो जो भी क्वेश्चन मेरे को मिलेगा वो मेरा मल्टीप्लाई किससे हो जाता था, डिविजर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी क्वेश्चन रहता है वो मेरा हमेशा डिविजर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा x माइनस अल्फा इज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा क्वेसेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, q अल्फा क्या है मेरा क्वेसेंट है, और c क्या है यही मेरा कांस्टेंट रिमाइंडर है, c जो है यही मेरा क्या है कांस्टेंट रिमाइंडर है, क्लियर। जब ये जब हम लोग कोई भी जिसको मतलब हम लोग का जो भी डिविडेंड होता है, ठीक है, जो भी डिविडेंड होता है वो क्या होता है आपका डिविजर से मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन प्लस आपका क्या होता है कांस्टेंट रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हम लोग प्रूफ करने के लिए x की जगह पे हम अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे हम अल्फा ले रहे हैं, तो x की जगह पे अगर अल्फा लेंगे तो क्या मिलेगा f, x की जगह पे तो अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, x की जगह पे अल्फा है इंटू क्या हो जाएगा क्यू अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है, ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला एफ अल्फा इज इक्वल टू ये तो आपका जीरो हो जाएगा जीरो इंटू क्यू अल्फा प्लस सी, यानी कि एफ अल्फा इज व्हाट इज इक्वल टू सी, एफ अल्फा क्या है ये तो आपका जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ सी बचा, एंड सी क्या है यही मेरा क्या है रिमाइंडर है, सी क्या है मेरा यही मेरा रिमाइंडर है, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ रिमाइंडर इज इक्वल टू इज इक्वल टू एफ अल्फा,
तो क्वेश्चन में भी यही था, अगर मेरा fx क्या है, पॉलिनोमियल है, और अगर उसको डिवाइड किया जाता है x माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर कितना आता मेरा एफ अल्फा। तो हम यहाँ पे प्रूफ किए क्या कि रिमाइंडर जो आया मेरा क्या हो गया, ये मेरा एफ अल्फा हो गया। क्लियर, वी कैन राइट हेयर if you have taken screenshot or not taken, then take a screenshot. When a polynomial fx is divided by किससे, x माइनस अल्फा से जब डिवाइड करते हैं, देन f अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को रिमाइंडर मिलता है। प्रूफ, ठीक है, हेयर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑन रिमाइंडर थ्योरम, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स प्लस 3, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 11x प्लस 1। हमें क्या निकालना है, हम लोग का एफ एक्स क्या है, ये है, और हमें x माइनस 3 से जब x प्लस 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 3 में हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3। x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, माइनस 3। तो माइनस 3 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, 3 इंटू, अब इसको हम माइनस करते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 माइनस में ही रहेगा, माइनस अब 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 11 3 का 33 माइनस का 33 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 कैरी 2 3 2 6 7 8 81 माइनस 81 माइनस 9 7 जब 63 माइनस 33 प्लस 1, ये तीनों क्या है माइनस में, तीनों क्या है माइनस में, तीनों को ऐड कर देंगे 3 3 6 1 7 और ये क्या हो जाएगा 9 8 16 1 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 176, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर माइनस का 176। क्लियर, ये 176 क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x प्लस a लिव्स द सेम रिमाइंडर। यानी कि हम लोग का ये वाला पॉलिनोमियल जो एफ एक्स है और ये वाला जो एफ एक्स है, दोनों मेरे को क्या दे रहा है, सेम रिमाइंडर दे रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दोनों को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर दे रहा है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, माइनस ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स 3 हो जाएगा, तो एक्स 3 अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे पहला वाला में, हम इसको रफ कर रहे हैं, रिपुट करते हैं किसमें, एफ एक्स जो है आपका ए एक्स 3³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4,
यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा 3 का क्यूब प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27a प्लस ये स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 9 को 36 प्लस ये 9 माइनस 4, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 45, ठीक है, और माइनस का 4 यानी कि 27a माइनस 4 आपका क्या मिल रहा है वैल्यू, जब आपका fx निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, एक्चुअली ये आपका क्या है रिमाइंडर है, जब आप माइनस 3x के जगह पे पुट किए, सॉरी 3 पुट किए तो आपको मिल गया 27a माइनस 4, ठीक है। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला आपका सपोज हम इसको px मानते हैं, तो px क्या है x3 माइनस 4x प्लस 8, हम क्या करेंगे यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने से क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 4 × 3 प्लस 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे ए है, नाइन नहीं ए, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15 प्लस ए, तो 15 प्लस ए क्या हो गया ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, क्लियर। तो हमारे पास दो रिमाइंडर आ गया, एक तो आपका ये, एक आपका ये। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि मेरा रिमाइंडर जो है ना वो मेरा क्या है सेम है, दोनों ही रिमाइंडर क्या है सेम है, तो यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर सेम है, यानी कि 27a माइनस 4 इज इक्वल टू 15 प्लस ए, इसको हम इक्वल कर देंगे तो क्या मिलेगा 27a माइनस 15 माइनस ए इज इक्वल टू 15 प्लस 4, क्लियर। इसको जब हम माइनस होगा तो मेरा क्या मिलेगा 26a इज इक्वल टू 19, यानी कि a इज इक्वल टू व्हाट 19 बाय 26, a इज इक्वल टू व्हाट 19 बाय 26, कुछ मिस्टेक है क्या, जस्ट अ मिनट, देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे 45 से माइनस करेंगे 4 को तो क्या मिलेगा मेरे को 41 मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा 41 होगा, तो यहाँ पे मेरा 41 है, ठीक है, तो 41 हुआ, जब ये इधर जाएगा तो इधर भी 41 है, तो क्या आ गया ये 26 a माइनस इज इक्वल टू 15 और 41 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 और ये 5, 56, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56, ये प्लस का 41 है, प्लस का 41 है यानी किधर जाएगा माइनस का 41, ये माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 6 और इसे कह रही 3 26, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, 26 डिवाइड बाई 26, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 1, a क्या हो गया आपको 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को a का वैल्यू माइनस a का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है माइनस a का वैल्यू, नहीं नहीं माइनस 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 1 आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 आएगा, तो a का वैल्यू जब माइनस 1 आएगा तो माइनस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो माइनस a का वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगा 1, क्लियर। यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट k, हमें क्या निकालना है k जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसका मेरे को रिमाइंडर क्या है, मेरा यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया गया है k है और मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर क्या है वो मेरा k है और k का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ एक्स है वो कितना है सॉल्यूशन, एफ एक्स है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस फोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, x माइनस टू से डिवाइड करना है, x माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो x का वैल्यू मुझे क्या आ जाएगा, टू मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे टू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, टू के पावर में थ्री प्लस थ्री इंटू टू के पावर में टू माइनस के इंटू टू प्लस फोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू फोर माइनस टू के प्लस फोर, यानी कि एट प्लस ट्वेल्व माइनस टू के प्लस फोर, यानी कि अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ट्वेल्व और प्लस एट ये हो जाएगा ट्वेंटी, और ये ट्वेंटी फोर माइनस टू के, तो मुझे क्या मिल गया, ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 24 माइनस टू के। और मेरे को यहाँ क्या दिया, रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है के, तो हम इसको इक्वल कर देंगे किसके, के तो हम 24 माइनस टू के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, के। जब ये उस साइड जाएगा तो 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लस टू के, यानी कि 3k, 3k इज इक्वल टू क्या हो गया 24, कैंसिल आउट होगा 8 से, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो हम लोगों को क्या निकालने बोला था, कांस्टेंट वैल्यू k का निकालने पूछा था, तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू मुझे 8 आ जाएगा, तो 8 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे हम लोग का फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन ही बोलेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं, फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो फैक्टर क्या होता है वो जानिए, सबसे ऐसे कि x प्लस वन है, ठीक है, और x प्लस टू है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स, यानी कि थ्री एक्स प्लस टू, यानी कि ये मेरा जो इक्वेशन बनता है ना, इसका अगर हम बोलेंगे फैक्टर निकालिए तो हम क्या बोलेंगे, एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस वन और एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस टू, यानी कि जो मतलब इससे डिवाइडेड हो जाए पूरी तरह से, फैक्टर वो होता है जो मेरा पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाए। जैसे कि अगर आप सिक्स का निकालते हैं तो जैसे टू के टू थ्री फिर थ्री वन, तो ये टू और थ्री क्या हो गया, फैक्टर है सिक्स का, टू और थ्री क्या हो गया, फैक्टर है सिक्स का। उसी तरीके से अगर आप एट को करेंगे तो टू के पावर में थ्री होता है, तो टू क्या हो जाता है, टू इज द फैक्टर ऑफ एट, यानी कि टू पूरी तरह से डिवाइड करता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देता है एट को, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो मतलब फैक्टर उसको बोलते हैं जो नंबर मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो, जो कोई भी जो भी जैसे कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जैसे कि एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, एफ एक्स को अगर हम सपोज एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि जो x माइनस ए है तो डिवाइड करते हैं तो जो भी मेरा रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है मेरा एफ ए, एफ ए को ही हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर, और यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम में यूज हुआ था, ठीक है, यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम में यूज हुआ था, एफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर हो जाता है। जब मेरा एफ ए जीरो हो जाए, जब मेरा एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा रिमाइंडर मतलब क्या, मतलब एक तरफ से जीरो हो गया, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब जो एक्स माइनस ए है ना जिससे हम डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर अगर आएगा ही नहीं तो उसका मतलब एक्स माइनस ए क्या है, ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है किसको, एफ ए को पूरी तरह से डिवाइड कर, तो क्या हम बोलेंगे एफ माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्या हम बोलेंगे एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है एफ एक्स का, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम यही होता है कि जब भी मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब ये पूरी तरह डिवाइड कर रहा है किसको, एफ एक्स को, ये पूरी तरह डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा किसका, एफ एक्स का, किसका फैक्टर हो जाएगा, एफ एक्स का। तो यही है मेरा फैक्टर थ्योरम, यही है मेरा फैक्टर थ्योरम। हम कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है,
इसको लेके देखते हैं, ये मेरा क्या है एफ एक्स है। सपोज हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वन क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, यानी कि वन माइनस टू प्लस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा जीरो। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। कैंसिल आउट होकर क्या मिल जा रहा है, आपको जीरो मिल जा रहा है। तो जब आपका ये जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एफ की जगह आप क्या पुट किए हैं, माइनस वन पुट किए, इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। जब रिमाइंडर आपका जीरो आ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये इसका क्या है, फैक्टर है। अब हम ऐसा तो भरोसा करेंगे नहीं, हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे हो रहा पॉसिबल। हम क्या करेंगे, अब डिवीजन मेथड से प्रूफ करेंगे, डिवीजन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर प्रूफ करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसिल आउट माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, और अगेन क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, ये अगेन कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो रिमाइंडर क्या हो गया, ये आपका क्या था, रिमाइंडर ही तो था, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से ये पता चला कि जब भी हम इसको मतलब कोई भी एफ एक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो मेरा एफ ए क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, एफ ए क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। और वही रिमाइंडर अगर मेरा जीरो हो जाए, एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मेरा जो एफ एक्स माइनस ए है वो क्या हो जाता है, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्लियर। तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद ही मतलब आपको पता चला रिमाइंडर जीरो हो गया, तो आपको पता चला एक्स माइनस ए क्या है, ये आपका फैक्टर है एफ एक्स का। तो यही मेरा क्या है, फैक्टर थ्योरम, यही मेरा क्या है, फैक्टर थ्योरम, क्लियर। सो यहां क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। यहां पे क्या है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि मेरा एफ एक्स क्या है, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा है मेरा एक रियल नंबर, अल्फा क्या है, मेरा एक रियल नंबर, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्स माइनस अल्फा क्या है, एक फैक्टर है, और एक्स माइनस ए अगर एक फैक्टर होगा मेरा एफ एक्स का, तो मेरा एफ अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एफ अल्फा जीरो होना चाहिए, मतलब मेरा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या है, एफ एक्स आपका जब डिवाइड होता है एक्स माइनस अल्फा से, तो एफ अल्फा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, एफ अल्फा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो मेरा एक्स माइनस अल्फा क्या है, एक फैक्टर है, किसका, एफ एक्स का। ऑब्वियसली जब डिवाइड कर रहे हैं उससे तो वो चीज क्या हो गई, एक फैक्टर हो गया। जब हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 इज व्हाट, फैक्टर हो जाएगा, किसका, आपका 6 का। तो कब ऐसा फैक्टर होगा, जब आपका रिमाइंडर जीरो होगा। जब फैक्टर तभी कहलाता है जब हम किसी को किसी चीज से डिवाइड करते हैं, तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर तभी कहलाता है एफ एक्स का, जब रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एफ अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर मेरा जीरो होना चाहिए। तो जब ये मेरा जीरो होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एफ अल्फा क्या होगा, जीरो हो जाए। तो यही मेरा क्या है, फैक्टर थ्योरम, यही मेरा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। आप लोग देखिए कि मतलब सब चीज एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, सब चीज क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड
हम लोग क्या किए, f x को डिवाइड कर दिए x माइनस a से, डिवाइड कर दिए। अब x माइनस ये क्या हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। अब अगर x माइनस a अगर जीरो हो जाता है, इफ x माइनस a जीरो, तो इसका मतलब x माइनस a इज ए फैक्टर, सॉरी हाँ ये मेरा रिमाइंडर नहीं हो गया, मेरा f f a रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और f a अगर रिमाइंडर, अगर f a आपका जीरो हो गया तो x माइनस a क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मेरा फैक्टर हो गया तो x इज इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, एफ ए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर जब जीरो होगा तो मेरा x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा, जब x माइनस ए फैक्टर होगा तो x इक्वल टू a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरो हो जाएगा, क्लियर। नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट। हियर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन फैक्टर थ्योरम, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, फैक्टर थ्योरम में, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मेरा फैक्टर है कि नहीं ये मुझे बताना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जब f में x के जगह पे हम टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस एट, ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, प्लस ये फोर हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। तो एट माइनस एट कैंसिल आउट होकर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्या आउटपुट मिल गया, जीरो मिल गया। तो जीरो अगर मेरा आ गया तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर, यही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, मेरे को जीरो मिल गया। जब रिमाइंडर जीरो है तो मतलब क्या हुआ, दिस इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। सो देयरफॉर एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, ये क्या है, इसका फैक्टर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एक्स प्लस टू एंड थ्री एक्स प्लस वन बोथ आर फैक्टर्स ऑफ सिक्स एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि दोनों इसका फैक्टर है। तो दोनों को दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों को दिखाने के लिए हम सबसे पहले पहले वाला को दिखाएंगे, ठीक है। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो x क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, माइनस टू। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। यहाँ पे हम क्या किए, x के जगह पे माइनस टू पुट किए, माइनस टू का क्यूब प्लस इलेवन इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस टू। ये टू का क्यूब क्या हो जाएगा, ये एट हो जाएगा। तो सिक्स इंटू माइनस एट प्लस इलेवन इंटू क्या हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, माइनस टू। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एट फाइव एट जो फोर्टी एट, फोर्टी एट माइनस का फोर्टी एट प्लस फोर्टी फोर प्लस क्या हो जाएगा, ये आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का फोर हो जाएगा, सिक्स माइनस टू प्लस फोर हो जाएगा। ये आप दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये दोनों प्लस में है तो माइनस का 48 प्लस का 48 ये कैंसिल आउट होगा, आपको क्या मिलेगा, जीरो। आपको क्या मिल गया, जीरो, यानी कि एक आपका जीरो आ गया, ठीक है। हम इधर रफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोला, थ्री एक्स प्लस वन है, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर थ्री एक्स प्लस वन, इसको हम जीरो पुट किए तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। एक्स क्या आ गया मेरा, माइनस वन बाई थ्री, उसको हम उसमें पुट करेंगे तो मेरा एफ एक्स क्या है, सिक्स एक्स क्यूब प्लस इलेवन
प्लस 11x² माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 by -1/3। तो 6 × -1/3 का होल क्यूब प्लस 11 × -1/3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 by -1/3 माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × ये क्यूब क्या हो जाएगा, -1/27 प्लस 11 × क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या हो गई, ये थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, प्लस वन मिला। ठीक है, और माइनस का 2, प्लस 1 माइनस का 2। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 से आपका जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। तो क्या देख रहे हैं, -2/9 आ रहा। ठीक है, प्लस 11/9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का वन। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इधर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस को हम इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 9 को, और 11 + 11 ये -2 + 11 / 9 हो जाएगा -1, साइड में करते हैं यहाँ। तो ये क्या होगा, ये आपका -9 ही देगा। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या देगा, प्लस का 9 देगा, तो 9/9 - 1 ये आपका क्या है, 1 है, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 0। यानी कि यहाँ भी आपको 0 मिला और यहाँ भी आपको 0 मिला। तो वी कैन से दैट x + 2 and 3x + 1 both are factor of fx is equal to 6x³ + 11x² - 3x - 2। ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, दिस बोथ इज फैक्टर ऑफ 6x³ + 11x² - 3x² - 2। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सो दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 7x² + 14x - 8। Hence, completely factorize the above expression. हम लोग को इस एक्सप्रेशन को ना कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताना है कि ये मेरा फैक्टर है कि नहीं, ये मेरे को फैक्टर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले x - 1 सॉल्यूशन हम करते हैं, x - 1 = क्या होता है, 0, x = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, fx = x³ - 7x² + 14x - 8, यहाँ पे हम क्या पुट किए, हम 1 पे पुट किए, x के लिए 1 पुट करेंगे, तो 1³ - 7 1² + 14 × 1 - 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, हम प्लस प्लस को जोड़ के 15 करेंगे, माइनस 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 को जोड़ के 15 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो मुझे मिला यहाँ पे 0 मिला, इसका मतलब जो x - 1 है वो क्या है, फैक्टर है आपका, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, fx जो है मेरा इसका क्या है, फैक्टर है। अब मुझे नेक्स्ट क्या बोला है, कंप्लीटली इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, ये मेरे को बोला कंप्लीटली फैक्टराइज करें। कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, हमें अब डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि ये तो मेरे को सिर्फ एक ही फैक्टर मिला है। ठीक, ये तो मेरा फैक्टर है, ठीक है, ये मेरा फैक्टर है, क्योंकि कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। अब मेरे को पता है कि ये क्या है, ये मेरा फैक्टर है, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। Here, now, dividing
एक्स माइनस वन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे इसको, तब मेरे को मिलेगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो मिलेगा उस हिसाब से मतलब उसके आगे हम देखेंगे कि वो मेरा फैक्टराइज वहां तक मेरा कंप्लीट हो रहा है या फिर उसके आगे और फैक्टराइज होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे x माइनस वन को, डिवाइड की किससे, वन से, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस एट। ठीक है, इससे क्या कि हम डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड किए तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि इसको हम डिवाइड करें ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम इसका ऊपर लिख रहे हैं तो इसको हम डिवाइड किए तो क्या चाहिए मेरे को, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, फोर्टीन एक्स उतर जाएगा। ठीक है, फोर्टीन एक्स उतर जाएगा एंड हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस सिक्स एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस हो गया, ये कट गया, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया, एट एक्स प्लस का एट एक्स माइनस एट, ये उतर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लस का एट होगा तो क्या हो जाएगा, एट एक्स माइनस एट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो मिल गया। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन आया ना क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ये आया। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर तो मेरा क्या है, वो तो ऑलरेडी है मेरा जीरो, क्या है मेरा रिमाइंडर, जीरो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन इतना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, जब हम लोग फैक्टराइज करने जाएंगे ना एफ एक्स को, ये मेरा किसमें किसमें, मतलब इसको हम फैक्टराइज किए, एक तो आपका x माइनस वन है। ठीक है, x माइनस वन एंड अब आपका क्वेश्चन जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है मेरा, जीरो है, तो मतलब मेरे को दो ही फैक्टराइज करना। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा टोटल फैक्टराइजेशन नहीं है, ये मेरा फुल्ली फैक्टराइजेशन नहीं है, और क्वेश्चन में मेरे को बोला कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो हम इसको फर्दरली डिवाइड करेंगे। तो ये तो एक्स माइनस वन ही रहेगा, इधर आपका क्या, आप किसमें किसमें तोड़ सकते हैं, टू 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 यू कैन डिवाइड फोर एंड सिक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट। आप माइनस सिक्स एक्स को डिवाइड कर सकते हैं माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, और इसमें आप एक्स को कॉमन अगर लेते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे टू को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस फोर अगेन। तो व्हाट यू विल गेट, यहां पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ठीक है, ये आपका डिवीजन हो गया, हम ये अब यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स माइनस वन हो गया आपका, फिर एक्स माइनस टू हो गया, और आपका आ गया एक्स माइनस फोर, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, किसका, आपका एफ एक्स का। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट, यानी कि हम इसको और फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम और फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे ये मेरा आंसर है। ठीक है, यही मुझे पूछा गया था कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए। क्लियर, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट।
सो दिस इज दिस इज न्यूमेरिकल समाज क्या क्या पढ़नी है आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है जीरो पढ़नी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़नी है रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करनी है और ये क्या पढ़नी है हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़नी है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करनी है तो फॉर टुडे इतना ही रखते हैं ठीक है टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर थैंक यू सो मच